धनवान और निर्धन। यीशु ने उन्हें समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक धनवान आदमी था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक निर्धन घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। लेकिन होता यह था कि कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो निर्धन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के पास पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम के साथ लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों के अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बहुत गहरी खाई है कि अगर यहां से उस पार तुम्हारे पास कोई जाना चाहे तो वो जा ना सके और ना ही कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्य वक्ताओं की नहीं सुनते तो अगर मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो अभी उसकी नहीं माने।